दोस्तों, आपके मन में अक्सर यह जानने की क्यूरियोसिटी रही होगी कि क्या विस्की और रम साथ में पीने से कॉकटेल बन जाता है, या बियर और ब्रेंडी साथ में पीने से कॉकटेल बन जाता है। यह हम तब जान पाएंगे जब हमें मालूम हो कि कॉकटेल कैसे बनता है। आज की इस वीडियो में आपकी यह कंफ्यूजन दूर होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉकटेल, यानी कॉकटेल किसे कहते हैं, कॉकटेल की परिभाषा क्या है। जरा ध्यान से सुनिएगा। कॉकटेल दो या दो से अधिक एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक पेय पदार्थों के मिश्रण से बनी ड्रिंक को कॉकटेल कहते हैं, जिसको बनाने की एक निश्चित विधि हो, जिसमें सम्मिलित सभी एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक पदार्थों का एक निश्चित अनुपात हो, जिसकी एक निश्चित गार्निशिंग हो और एक निश्चित सर्विंग ग्लास हो, उस पेय पदार्थ को हम कॉकटेल कहते हैं। अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम बिना नापे तोले एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, साथ में न हमारी कोई एक निश्चित सर्विंग ग्लास है, कभी हम बोतल से पी रहे हैं तो कभी बियर मग में विस्की पी रहे हैं, अगर हम आधा अधूरा ज्ञान लेकर कोई ड्रिंक बना भी रहे हैं तो उसकी गार्निशिंग आज लेमन स्लाइस से कर रहे हैं तो कल ऑरेंज स्लाइस से कर रहे हैं, इसका मतलब न हमारी ड्रिंक की कोई निश्चित गार्निशिंग है। तो इस प्रकार से किए गए एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक पेय पदार्थों के मिश्रण के सेवन को हम कदापि कॉकटेल नहीं कह सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।